بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جي شروع کرتے ہیں और उम्मीद करते हैं कि आवाज़ क्लियर है। अगर आवाज़ चली जाए तो बताइएगा, ठीक है। ये वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है ना आप लोगों को? ये नज़र आ रहा है, क्लियर है जी? लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना? ठीक है जी। अजगर भाई, आपको आवाज़ आ रही है ना? आ रही है। ठीक, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं। और जो है आज का जो बाब है वो एक नया बाब हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और इस बाब में देखते हैं कि क्या हम क्या कर रहे हैं, कौन सा फेल कर रहे हैं हम लोग, क्या फेल कर रहे हैं हम लोग, फेल का नाम क्या है, कौन सा किस्म का फेल है जी, कौन सा फेल हम लोग कर रहे हैं, कैटेगरी क्या है इसका। जी, क्या कौन सा टाइप का फेल हम लोग कर रहे हैं अभी? फेल सुलासी आला फाला फाला, ठीक है, फाला कर रहे हैं। इसका नाम क्या, फेल सुलासी मुजर्रद या मजीद फी, कौन सा फेल कर रहे हैं लोग? फेल मजीद फी, मजीद फी कर रहे हैं, ठीक है, मजीद फी कर रहे हैं, फेल सुलासी मजीद फी कर रहे हैं, ठीक है। तो मजीद फी में क्या होता है, मजीद यानी कि कुछ मजीद होता है, यानी कुछ हर्फ, एक हर्फ या दो हर्फ या तीन हर्फ क्या होता है उसमें मजीद होता है, एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, इसको कहते हैं फेल सुलासी मजीद फी, ठीक है। तो मजीद फी का एक बाब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, जो के था पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं फा आला, ठीक है, युफा युफा एलु, ये बाब हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में, फा आला युफा एलु। एक मिसाल बताइए इस फेल, इस बाब का एक मिसाल, फा आला युफा एलु, एक एग्जांपल बताइए, क्या मिसाल है, एक मिसाल नज़ला नज़ला, बहुत अच्छा। मुदारे क्या होगा, नज़ला मादी और मुदारे नज़िलु यूनज़िलु, ठीक है, नज़ला यूनज़िलु, नज़ला यूनज़िलु, ठीक है, नज़ला यूनज़िलु, ये है, ये इसकी मिसाल। और मेन जो बाब है वो ये है, ये हम लोग किए थे उसकी मिसाल के, नज़ला यूनज़िलु, खर्रजा युखर्रजु, अल्लमा युअल्लिमु, ठीक है, ये मिसाल है। तो ये मादी है और मुबारक, ये हो गया मादी, ये मुदारे। गर्दान जो है इसका कैसे करेंगे, गर्दान करने का कुछ तरीका अलग है या वही तरीका है जो मुजर्रद फेल में था, तीन हर्फ वाले फेल में था, क्या गर्दान करने का तरीका। नज़ला का मुजर्रद क्या था, जो मुजर्रद फेल है ओरिजिनल फेल, नज़ला का क्या है, नज़ला, ठीक है, क्लियर है ना, हाँ, नज़ला ये ओरिजिनल फेल है, ठीक है, ये ओरिजिनल नज़ला फेल है। तो नज़ला का गर्दान होता है, नज़ला का गर्दान कैसे होगा, नज़ला के तरह ही होगा या कुछ अलग गर्दान है इसका, कैसा गर्दान होगा इसका, कंजुगेशन कैसा होगा जी, गर्दान कैसा होगा इसका, अगर इसका गर्दान करना है मादी का फेल मादी, तो कैसा होगा इसका जी, बताइए, नज़ला की तरह ही गर्दान होगा मादी का या अलग होगा जी, हाँ बताइए, असगर भाई, अब्दुल्ला भाई जी बताइए, अलग होगा, अलग, सही पक्का, कुछ गर्दान तो हम लोग अभी तक सीखे नहीं इसका, है ना, नहीं,
इसका गर्दान तो अभी तक हम लोग सीखे नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका गर्दान सेम है, जैसे नजला का होता है वैसे ही गर्दान होगा इसका, ठीक है। तो नजला, उसने माने क्या है नजला का? नाजिल किया, उसने नाजिल किया या उसने उतारा, ठीक है। और नजला का मतलब क्या है? नजला का मतलब क्या था? वो उतरा, वो उतरा। और नजला मतलब उसने उतारा या उसने नाजिल किया, असल मतलब उसने उतारा। हाँ, तो अब गर्दान कैसे हो नजला का? नजला, गर्दान कैसे करेंगे नजला का? नजला नजला नजलानी, हाँ नजलानी है क्या? मादी, अच्छा नजला नजला नजलू, बहुत अच्छा। हाँ जारी रखिए पूरा आखिर तक, 14 गर्दान 14 दमायर। नजलत नजलता, ठीक है, नजलना नजलता नजलना, ठीक है, बगैर अलिफ के। हाँ अब उसके बाद आगे नजलता, ठीक है, नजल तुमा नजल तुम, ठीक है, नजल नजल तुमा नजल तुम, ठीक है, हाँ नजल तुन्ना नजल तुन्ना नजल तुन्ना, ठीक है। उसके बाद आगे अना नहनु का जी, अनजलु नहीं, अना नहनु का मादी 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 चल रहा है, नजलनी नजल तु नजल, हाँ आप लोग भूल गए क्या? नून नून लगा के या मुतकलिम आएगा क्या? हाँ नहीं नहीं, या मुतकलिम क्यों आएगा? इसका गर्दान कैसे करते? खरजा खरजा खरजू खरजत खरजता खरजना खरजता खरज तुमा खरज तुम खरजती खरज तुमा खरज तुमा खरज तू खरजना। हाँ इसका मतलब आप लोग गर्दान प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, भूल गए, ठीक है, प्रैक्टिस। हाँ नजू नजलना, हाँ नजलना का मतलब क्या है? नजलना मतलब हमने नाजिल किया, हमने नाजिल किया। कहाँ पर है कुरान में कोई आयत याद है आपको? नजलना वी रिवील्ड वी सेंट डाउन, नजलना कहाँ पे है कुरान? कुरान नजलना क्या आयत? हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके हाफिज हैं। नजलना फिक्र, बहुत अच्छा है, नजलना। इसके आगे क्या? इन्ना, ठीक, इन्ना नहनु, ठीक है, इन्ना नहनु नजलना ज़िक्र, हाँ ये आयत, ठीक है, इन्ना नहनु नजलना ज़िक्र, नहनु नजलना नजलना, ठीक है, नजलना। तो गर्दान वही है जैसे कि आम फेल का गर्दान होता है, ठीक है ना, वही गर्दान है। नजला नजला, नजल तू नजलना हम उतरे, नजल तू मैं उतरा, नजलना हम उतरे, लेकिन नजलना हम सब, नजलना मतलब हमने उतारा, नजलना मतलब हमने उतारा, वी सेंट डाउन नजलना, ठीक है, नजलना। तो गर्दान इसका कैसे? वैसे अच्छा, अल्लाह सुभान व तआला अपने बारे में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जमा या क्या सीखा इस्तेमाल हो रहा? अल्लाह सुभान व तआला क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वाहिद का सीखा है जमा का? जमा का, जमा नजलना, तो इसका मतलब क्या है? जमा फिजिकली जमा है मुराद, तो मुराद क्या है? जमा क्यों इस्तेमाल किया अल्लाह सुभान व तआला? ये रॉयल्टी वाला जमा है, बादशाह रॉयल्टी वाला, बहुत अच्छा, अजमत के लिए बतौर तअज़ीम, ठीक है, बतौर तअज़ीम, ठीक है, बादशाही अंदाज अल्लाह सुबहाना तआला का, रब्बुल आलमीन का, ठीक है, नज़ल। तो कभी अल्लाह सुबहाना तआला अपने लिए तू भी सीगा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कभी कभी ना भी होता है, तो मिक्स करके कुरान में इस्तेमाल है, ठीक है। कभी अगर तू है करके है कि मैंने नाजिल किया या इस तरह कोई भी आयत है, खलक तू खलक ना भी है ना, खलक तू आई क्रिएटेड मैंने पैदा किया, खलक ना हमने पैदा किया वी क्रिएटेड, तो कभी तू भी है कभी ना भी है, यानी कभी अना भी इस्तेमाल हुआ कभी नहनु भी इस्तेमाल हुआ। नहनु किस लिए इस्तेमाल हुआ? बतौर तअज़ीम, ठीक है, अल्लाह सुब्हान व तआला इस तअज़ीम के लायक है, ठीक है। और फिर कभी कभी फिर सिंगुलर भी क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि अल्लाह अकेला है ना, ठीक है, वहदानियत की जब बात आ रही है, कभी कभी वहदानियत बताने के लिए एक इस्तेमाल किया गया तू, और अजमत बतौर अजमत कभी कभी क्या आया? ना आया, ठीक है ना, मिक्स करके ये चीज़ आया है, इन्ना नहनु नज़लना ज़िक्रा। चलिए, तो गर्दान इसका क्या? वैसे ही होगा जैसे आम फेल का गर्दान किया जाता है
आम फेल का जैसे होता है वैसे ही गर्दन उसका भी होता है, तो मादी होगी। मुदारे क्या होगा? नज़ला युनज़िलु, मुदारे क्या है? युनज़िलु, नज़ला युनज़िलु, तो युनज़िलु बाद क्या आएगा? युनज़िलु वो उतारता है, वो उतारेगा। गर्दन क्या होगा? युनज़िलु के बाद युनज़िलु, युनज़ी, युनज़, युनज़ क्या होगा? युनज़िलानी, बहुत अच्छे, युनज़िलानी, युनज़िलूना, ठीक है, युनज़िलु, युनज़िलानी, युनज़िलूना। उसके बाद क्या आएगा? वो भेजती है, वो उतारती है उसके लिए, या के लिए, हाँ, तुनज़िलानी, ठीक है, समझ में आ रहा ना? युनज़िलना, ठीक है, युनज़िलना, क्योंकि जो गर्दान है हुन्ना में, फेल मुदारे में जब हुन्ना आती है, और हुन्ना को कौन रिप्रेजेंट करता है? गर्दान में हुन्ना को कौन रिप्रेजेंट करता है? गर्दान में हुन्ना को, हुन्ना की पहचान क्या है? हुन्ना की पहचान नून है ना? फेल में जो गर्दान होता है उसमें हुन्ना की पहचान क्या है? नून है। जब भी नून आती है तो क्या लग जाता है? लाम कलिमा में फेल का आखिरी हर्फ में क्या लग जाएगा? जी क्या लग जाएगा? जैसे मादी में लगता है वैसे यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? सुकून, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा फिर? ये युनज़िलना, युनज़िलना यानी कि वो सब औरतें भेजेंगी, भेजती हैं, दे विल सेंड, ठीक है, इस मानी में दे आर सेंडिंग, दे विल सेंड, युनज़िलना। उसके बाद तुनज़िलु, तुनज़िलानी, तुनज़िलूना, ठीक है, तुनज़िलीना, तुनज़िलानी, तुनज़िलना, ठीक है, उनज़िलु, नुनज़िलु, उनज़िलु मैं भेजूंगा, नुनज़िलु हम भेजेंगे, ठीक है, तुनज़िलु आई विल सेंड या आई एम सेंडिंग, नुनज़िलु हम भेजेंगे, वी विल सेंड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो गर्दान जो है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कहीं कंफ्यूजन हो गया तो। गर्दान प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, बार बार हम कहते हैं आप गर्दान की गोली खाते रहिए, ठीक है, एक एक फेल का गर्दान जो है हफ्ते में एक दिन कम से कम, ज़्यादा नहीं बोल रहे, हफ्ते में इन कम से कम कोई भी एक फेल ले लीजिए, ठीक है, और उसका मादी और मुदारे का गर्दान करते रहिए, ठीक है, तो आपको गर्दान जो है प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। नज़ला का गर्दान, ठीक है, मादी का गर्दान, ये गर्दान प्रैक्टिस कीजिए, नज़ला, युनज़िलु, ठीक है, युनज़िलान, युनज़िलुना, कोई भी एक फेल ले लीजिए, उसको प्रैक्टिस करते। पता क्या चला? ये हम लोग क्या कर रहे हैं? मज़ीद की ही फेल, ये कौन सा फेल किया हम लोग? मज़ीद की ही फेल, और मज़ीद की ही फेल में सेम गर्दान होता है, सेम गर्दान, जैसे नॉर्मल फेल का होता है फरजा वगैरह, नज़ला, गर्दान का तरीका सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, फेल वही है, बस फेल का आपको बेस फॉर्म मिल गया, बस पहला गर्दान मिल गया, नज़ला युनज़िलु, अब आप मादी का बनाइए या मुदारे का बनाइए, सेम बनेगा गर्दान, जैसे मुदारे होता था आम फेल का, मुजरद फेल का, इसका गर्दान भी वैसे होगा, ठीक है, कोई सवाल तो पूछ लीजिए, ठीक है, गर्दान के ताल्लुक से कोई सवाल है? बहुद्दीन भाई आवाज़ आ रही है ना? क्लियर है, समझ रहे हैं? और जिनका आप लोग का छूटा था क्लास तो जरूर उसको मेकअप कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत अहम क्लासेस कर रहे अभी हम लोग, ठीक है, सिर्फ ध्यान देना जरूरी है आप लोगों के लिए, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, गर्दान जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, तो फिर भूल जाइएगा, गर्दान अगर नहीं आएगा तो फिर कुरान कैसे समझेंगे, कौन सा सीखा, कौन बात कर रहा, फेल कौन है, फाइल कौन है, ठीक है, तो समझ में कैसे आएगा, ठीक है, तो जरूरी है गर्दान को प्रैक्टिस करते रहना। कोई सवाल है? ये हो गया गर्दान के ताल्लुक से जो हम लोग किए, ठीक है, जो हम लोग पिछले दफा फॉर्म क्या कहते हैं इसको, फॉर्म टू फेल, फॉर्म टू इंग्लिश वालों ने नाम दिया, इंग्लिश डिक्शनरी वगैरह में खोल के देखिएगा, फॉर्म टू उसके बारे में लिखा रहता है, फा अला युफा दिया, इसको कहते हैं बाब तफ़ईल, मजदर, मजदर इसका तफ़ईल वजन पे मजदर बनाया जाता है, तो अला युफा, समझ में आ गया, क्लियर है ना? नज़ला युनज़िलु, गर्दान मादी का मुदारे का सेम वैसे बनता है, ठीक है,
गर्दान बनाने का तरीका क्या है, सेम है इसका। जैसे आम फेल का गर्दान किया जाता है, इसका कभी क्या होता है, वैसे ही बनता है। ठीक है, इसका गर्दान बनाने का तरीका क्या है, सेम है। जैसे कि आम फेल मादी में जैसा होता है, वैसे इसमें भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं जी। तो इसको, ये वीडियो को ना